सो गाइस कहते हैं ना, हर राइड पे कुछ ना कुछ नुकसान होता है, तीसरी बार, थर्ड टाइम। वेलकम टू ले लद्दाख। और अभी हम लोग पहुंच चुके थे नाइट में, भाई इतना थक गए थे, ज़्यादा बात करने की कंडीशन नहीं थी, बट रात में जैसे तैसे सो गए। सोते सोते क्या हुआ, रात को 2:30 बजे दोनों भाइयों को आया भयंकर बुखार और पानी थाली रूम के अंदर में, हमने बोला नहीं जल्दी में, फिर मैं पकड़ पकड़ के सीढ़ियाँ आया, वाटर लिया, मेडिसिन ली, मेडिसिन खाने के बाद लगने लगी यार गर्मी। और कल तो भाई ऐसे ही रहा कि मेरे को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था खाने पीने में, पता नहीं क्या हो गया था मेरे को, कुछ नहीं खाया। तो शायद हम ही लोग सबसे लेट हैं, तो अभी ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद एनर्जी मिल जाएगी, और फिर लेका जो मार्केट है उसको करेंगे एक्सप्लोर अच्छे से। 3-4 जगह हैं लगभग 40 किलोमीटर के एरिया में, उसको एक्सप्लोर करेंगे और फिर देखेंगे उसके आगे करना क्या है। बाकी का मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आइटम है इसमें। इडली सांभर और ये क्या है, बनाना इम्पिटी खाली रखा है, बॉयल एग है, ये कॉर्नफ्लेक्स हैं, कॉर्नफ्लेक्स एनर्जी के लिए बढ़िया है, ब्रेड अभी हमारे लगने वाले हैं इसमें, एंड ये बटर और ये जैम। भाई इतना कहूँगा जो लोग कहते हैं लद्दाख इजी है, इतना बढ़िया रोड होने के बाद में भी हमें पता लग गया कितना इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। हाँ जो लोग कहते हैं लद्दाख इजी है कुछ ज़्यादा इजी है मेरे भाई, एक बार जो करके देखेगा उसे समझ में आएगा कैसा है, मतलब यहाँ तक पहुँचने में 3 दिन लग गया यार। बाकी का भी चलो मैं लेता हूँ नाश्ता और फिर आपसे करते हैं बातें। ये मैंने लिया है सांभर बनाना और ये उत्तम और ये इडली कॉर्नफ्लेक्स, एकदम कैसा है, बढ़िया। तो इसको फिनिश करते हैं, उधर अपने लग रहे हैं ब्रेड और जैम। तो भाई आज इतने दिनों के बाद मैं सुबह सुबह जल्दी नाश्ता कर रहा है, वरना 2 दिनों से ऐसे ही चल रहा है डिले, मतलब कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, आज प्रॉपर खा रहे हैं सुबह सुबह नाश्ता। हाय गाइस कैसे हैं आप सभी, होप यू गाइस सभी अच्छे होंगे। और आज हमारा है Day 5 लेह लद्दाख का और टाइम तकरीबन हो रहा है 3:15 बजे का। अगर गाड़ी छठवें गियर में तो जाके एक बात बता दूं आपको, चाहे आ रहा T10 हो चाहे डोमिनार हो, छठवां गियर जैसे हम लगाने 6th गियर तो गाड़ी डेड हो रही है, गाड़ी में पावर नहीं आ रहा है उस हिसाब से जैसे आना चाहिए। इंजन साउंड को ऐसा लग रहा है तकरीबन 10-15 साल पुराना एयर फिल्टर लगा दिया, इस तरीके से मतलब पावर लैक हो रही है। और अभी देखने वाली बात ये होगी कि हम सिंगल सेल्फ में रास्ते बाइकें खड़ी हैं बारिश में भीगने के बाद में भी, तो सिंगल सेल पे स्टार्ट होती है नहीं, और डायमोक्स प्रथम ने फिर से ले लिया, मैंने कल ली थी मुझे अभी जरूरत नहीं लग रही है। तो अब सीधे निकलते हैं यहाँ से भाई, आज लेह का पूरा मार्केट आपको एक्सप्लोर कराते हैं क्या क्या है। और मेरे रियर वाले ब्रेक पैड जब काफी घिस चुके हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा एक जोड़ी रियर ब्रेक पैड लेके जरूर चलिए। और एक बार चेक मारो आप गाइस कि कैसी लोकेशन है, कैसी प्रॉपर्टी की लोकेशन है। सो फार सो गुड, प्रॉपर्टी भाई काफ़ी बढ़िया है। जेस भाजी यहाँ रुक चुके हैं एक दो बार, थोड़ी कॉस्टली है, और प्रथम ने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी, ठीक है मैं निकलता हूँ। काफ़ी सारे बाइकर्स आते हैं, जैसे स्टिकर्स वगैरह लगे हैं, और ये देखिए पूरा ग्राउंड एरिया बहुत सही है भाई, ठीक है। और एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा लॉन्च एरिया, इधर अपना ब्रेकफास्ट था सुबह मॉर्निंग में, और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, अब लेह मार्केट हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बाकी का ये देख लो आप कितना सही है भाई, पूरा होटल बहुत बढ़िया है, यहाँ कुछ बाइकर्स के स्टिकर्स वगैरह लगे हैं, तो हम भी जब निकलेंगे यहाँ से तभी लगाएंगे। बाकी रिसेप्शन एरिया हो गया पूरा, और ये खड़ी हैं अपनी बाइकें, रास्ते ही किसी ने मेरी बाइक को आगे पीछे कर दिया है, इसके अंदर में गाढ़ा वाला इंजन ऑयल डाल दिया है तो उससे आ रही है दिक्कत। तो इंजन ऑयल गाढ़ा वाला है ना, 15W50, 10W50 होता तो दिक्कत नहीं आती। यहाँ से निकलते हैं, बाकी गाड़ी यार काफ़ी गंदी दिख रही है, तो देखना पड़ेगा भाई कहाँ वॉशिंग होगी कहाँ, भाई खतरा रहता है ना आप कहीं गाड़ी पार कर दे तो कोई गिरा ना दे, कुछ दिक्कत ना हो। एक बार वार्म अप हो जाने देते हैं इसको अच्छे से, और यहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है भाई कि 2-3 सेल्फ में स्टार्ट होती हैं गाड़ियाँ। बाकी का मैं आपको RR का साउंड सुना देता हूँ एक बार,
बहुत आराम आराम से आरपीएम जा रहा है लैग होकर। इसका तो पूरा रैप मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का अब यहाँ से निकलते हैं भाई, गाड़ियों को वॉश करा लेंगे। एक वॉशिंग वाली जगह देखो पहले भैया, ये वॉशिंग वाला है, बाइक वॉशिंग करने वाला। बाइक वॉशिंग नहीं है यहाँ कहीं नहीं है। और अभी निकल चुके हो भाई, कितनी ज़्यादा सर्दी है बाहर। अपने यहाँ जनवरी में नहीं होती यार इतनी तेज़ तो। और यहाँ मोस्टली जो बाइकर्स हैं वो इधर ही रुकते हैं। होटल्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। आज हम लोग लेह में घूम रहे हैं यार, अपना सपना पूरा हो गया, ऐसे बढ़िया क्या बात है यार। इसके ब्रेक पैड्स भी लेने हैं मेरे को, पीछे के ब्रेक पैड्स बिल्कुल जा चुके हैं। आज वैसे लोकल मार्केट ही हम लोग कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करें, बिकॉज लेह लद्दाख बहुत से लोग आते हैं और लोकल मार्केट आप नहीं घूमें तो फिर भाई मेरे नज़र में बेकार है। जब इतनी दूर अगर हम आए हैं और हम घूम ही ना पाएँ तो भाई कोई बेनिफिट नहीं है ना। बाकी आप देखिए पूरे में वहाँ पर चादर ढकी हुई है बर्फ़ों की सभी जगह पर। आप सही भाग रही है यार। और जब से मैं आगरा से निकला हूँ चेन लूज नहीं की है ना टाइट की है, थोड़ी प्रथम की ज़्यादा ढीली है चेन। मैं तो भाई जा करके चेंज ही करूँगा इस चेन सेट को, तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी मेरे को। भाई एक और कार स्पीड से भाई, यहाँ सब ऐसे ही आ रहे हैं फड़फड़ाते हुए, एकदम सांप की तरह निकलते हुए यार। ये भैया समझदार है, देखो कितने आराम से आ रहे हैं भाई। अभी से हाथों में इतनी ज़्यादा चिल्डनेस लग रही है यार, यहाँ मौसम माइनस में दो रह रहा है दिन में भी यार। काश हमारा आगरा भी यार ऐसा होता। तो मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल गया था, ये देखिए 999.9 यानी 1000। उसके बाद ये ट्रिप मैंने ज़ीरो करा था, इसका सेकंड ट्रिप ये आ गया, ये 982 मतलब 982। तो तकरीबन हम 1982 किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं दोस्तों, और अभी तो सफ़र अपना चल ही रहा है मस्त बढ़िया वाला। अब चैन सेट आवाज़ कर रहा है क्योंकि ढीला भी हो गया है और लुप भी नहीं है, ये सुनिए आवाज़। चलो इसको करने दो आगरा जाके, इसको तो भाई ब्रास वाले चैन से रिप्लेस कर दूंगा, बिकॉज डाल तो मैं अभी भी सकता था। और भाई नवीन भाई हैं, उन्होंने यही बोला आकाश भाई अभी चैन सेट का पूरा लाइफ है ऑलमोस्ट 60%, तो आप राइड कराओ, बिकॉज आप बारिश में चलाओगे तो नया चैन भी फिर कहीं ना कहीं हार्म होगा, तो अभी इससे आप काम चला लो और लौट करके आप करा लेना रिप्लेस। मेरे को उनका आइडिया सही लगा और मैंने वही किया। बाकी टूल्स में लेके आया हूँ चैन एडजस्टमेंट वगैरह, बाइक में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है खोलना भी पड़ता है तो अभी उसके भी भाई सारे टूल्स वगैरह टूल किट्स वगैरह मैं ओरिजिनल वाले सब लेकर के आया हूँ, तो उसका तो ऐसा ऐसा कोई इशूज़ है ही नहीं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अब ये जैसे गाड़ी चल रही है थर्ड गियर में पावर आ रहा है, ठीक है फोर्थ डाला पावर आ रहा है, पर जैसे मैं सिक्स डालूंगा ना तो पावर उतना नहीं रह रहा है। मतलब गाड़ी में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है टॉर्क की कमी है, यानी कि 400 सीसी से कन्वर्ट हो रही है तकरीबन 250 सीसी पे, सीधे 150 सीसी का फ़र्क आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है पहली चीज़, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं कर पाता ईसीयू, क्योंकि उसे लगता है। और एक और चीज़ भाई बजाज के अंदर एक बहुत बढ़िया है, जो इसका TPS सेंसर है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, उसके अंदर में एक ISC वाल्व होता है। उस वाल्व के अंदर में भी इन्होंने ऐसी प्रोग्रामिंग की है, अगर आपका ये जो टेम्परेचर है वो एक अनसर्टेन टेम्परेचर है, मतलब कि आपको ऑक्सीजन कम मिला है, तो कुछ सेकंड्स चलने के मतलब कुछ घंटे चलने के बाद बाइक को अगर लगेगा कंटिन्यूसली अगर वही क्लाइमेट चल रहा है तो ये फिर 3000 RPM में फिक्स हो जाता है। अगर आप क्लच दबाते हैं गियर शिफ्ट करने के लिए तो RPM देन कट ऑफ दी 1500 RPM, और उसके बाद वापस से वो 3000 RPM पर सेट हो जाता है, जिससे कि आपका एक्सीलेटर में गाड़ी स्टॉल ना करे। तो एक बढ़िया पॉइंट लगा भाई मेरे को इसका। अब ये पावर कितना देर में आ रहा है थर्ड गियर में भी ये देखिए आप, जबकि हम आगरा में या कहीं भी ऐसे हिल स्टेशन में नहीं होते हैं या क्लाइमेट ख़राब ना हो तो पावर बहुत अच्छा ही मिलता है, और यहाँ थोड़ा सा पावर मिल रहा है कम अभी मेरे को। बाकी का तो भाई लेके अंदर में काफ़ी सही लग रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा मैं ले आ गया हूँ यार, लग रहा है कोई राजस्थान जैसे इलाके में आ गया हूँ। ये देखो पूरे पहाड़ पहाड़ ऊपर से कितने मस्त दिख रहे हैं। और ओपी होगा इसके एंगल वगैरह भी ठीक आ रहा हूँ, रात को अपना GoPro बोल गया था ड्रेन हो गई थी इसकी बैटरी, एक होता है बैटरी ड्रेन एक होता है डीप ड्रेन। डीप ड्रेन में जाने से क्या होता है कि बैटरी फिर आपकी चार्जिंग पर लगा के भी नहीं उठेगी, उसे थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा आपको। मैंने मीडिया मोड खोल दिया था, GoPro क्लीन किया अच्छे से, GoPro में तो खैर पानी नहीं गया मीडिया मोड तक ही था, उसके बाद रात में भी ये चार्ज नहीं हुआ। फिर मैंने क्या करा, एक लाइट लगी हुई थी उसमें थोड़ा वार्म अप था, तो उसके ऊपर मैंने अपना GoPro और मीडिया मोड रख दिया। सुबह मैंने इसकी बैटरी को निकाल के थोड़ी देर चार्जिंग में लाया, देन 20 मिनट के बाद ये बैटरी चार्ज होने लग गई, तो अपना पर्पस फिलहाल सॉल्व हो गया। और अभी होप की ऑडियो क्वालिटी भी बहुत बढ़िया आ रही होगी आपको, और पूरे रोड भाई यहाँ लीन ही लीन पर हैं, लीन मारते हुए आपको चलना होता है मैक्सिमम। तो फिर तो मेरे लिए देख रहा है कोई शॉप मिल जाए, ब्रेक पैड अरेंज हो जाए, कोई KTM का शोरूम तो था
अब ये पता नहीं है किस साइड था, अगर मिलता है तो भाई इसके रियर ब्रेक पैड तो भाई मेरे को लेने पड़ेंगे, बिकॉज मुझे पता था कि जो हिल स्टेशन से उस अभी तो हम लोग चले भी खारदुंगला भी जाना है, इधर उधर भी जाना है, तो उस वजह से भाई दिक्कत ना हो इसके लिए भाई सेफ साइड चलेंगे। और रात में भी हम लोग यहाँ आ चुके हैं और देखो कितना ऐसा लग रहा है कारगिल मेमोरियल का एरिया हो। इस साइड में हमने एक होटल देखा था तो वो हमें समझ में नहीं आया था, ठीक है। बाकी का ये लोकेशन कितनी बढ़िया है, और आप में से जो भी लोग लेह से हैं तो बताइए ये भाई रॉबर्ट कहाँ पे लगा हुआ है, मेरे को इस जगह का एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता है। बाकी का मैं आप ही लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ कहाँ लगा हुआ है ये। बाकी ये बर्फ़ की चादर उस समय ढकी हुई है देखो पहाड़ियों पर पूरी पूरी, हो सकता है आपको गोप्रो उतने अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हो। बाकी का ये है देखो, ये ट्रैकिंग एरिया भी है, यहाँ लिखा भी हुआ है, कुछ कॉफ़ी वगैरह का कैफ़े भी बना हुआ है, बहुत सही जगह है यार, फूड वगैरह सब अवेलेबलिटी है और क्लीन शहर है एकदम, मतलब आपको कहीं भी धूल मिट्टी कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बहुत सही बिल्कुल, मतलब हवा भी चलती है तो अभी धूल मिट्टी नहीं लगती है यहाँ। और सबसे ज़्यादा मोस्टली जो यहाँ गाड़ियाँ मिलती हैं वो आपकी रॉयल इनफील्ड की देखने के लिए ज़्यादा मिलेंगी, नेशन फर्स्ट कुछ है ये जगह, आई डोंट नो, मुझे तो खैर नहीं पता है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। पर लेह का भी मतलब ये गाइस, अगर आप आ रहे हो तो 2-3 दिन यहाँ रुको, तब आप अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन होगा भाई कि अगर आप आ रहे हो लंबा इतने दूर चल के तो 2 दिन तो एटलीस्ट रुको यार लेह में। और ऐसा ही हमने किया, आज हम रुक गए हैं, आज हम पूरा लेह सिटी एक्सप्लोर करेंगे, देन कल हम निकलेंगे खारदुंगला के लिए, और उसके बाद में अपना पेंगोंग लेक, और उसके बाद सीधे सीधे अपना वापस से इस राइड को फिनिश, फिर वापस आगरा के लिए, फिर से वही पुराने दिन होंगे अपने, सड़ी हुई गर्मी होगी, हमारे हालात बेकार होंगे, इतनी खुशियां हमारी जा चुकी होंगी, क्या कहें यार, मतलब इस राइड पे इतना एडवेंचरस भरी राइड थी भाई। कहते हैं ना लद्दाख ईजी नहीं है, और सच्चे में गाइस ईजी नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक अच्छा राइडर मानता हूँ और मुझे दिखता भी है मैं सही चलाता हूँ बाइक, पर कल एक समय यह आया कि मैं गिव अप करने के लिए तैयार था कि भाई अब मुझसे नहीं हो पाएगा, पर मैंने अपने माइंड को समझाया यार 120 किलोमीटर रह गया है, मैं पुश कर सकता हूँ अभी भी, और मैंने किया अपने आप को पुश, और सही रहा मैंने पुश किया तो। और ये एरिया देखो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यहाँ, एरिया क्या यार सब कुछ ही बढ़िया ही है, ये कोई बच्चों का कॉलेज है शायद। आई लव लद्दाख, काफ़ी सारी बाइक की बाइक, और हिमालयन ज़्यादा दिखेंगी यहाँ भाई, और हिमालयन पर्पज सॉल्व भी करती है अपना। अब मेरे को ये बताओ जो भी मेरे दोस्त ले से देख रहे हैं भाई मैं किस जगह पर चल रहा हूँ, बिकॉज हम तो गूगल मैप के हिसाब से चल रहे हैं। बाकी ठंडा इतना ज़्यादा है ना कि यार जैसे अपने यहाँ जनवरी बनवरी में होता है ना एकदम, आपका इवनिंग में 4-5 बजे के टाइम पे एकदम से सर्दी लगने लगती है, वो हाल है भाई। पर यहाँ ठंड वैसी नहीं होती एकदम, आपको गला देगा, सूखी ठंड पड़ती है दोस्तों, ये सूखी बहुत हिट करती है सर पे। आप ये आ गया लद्दाख शांति स्तूपा, बहुत सही जगह यार, लेह में घूमने की सबसे मस्त जगह। R15 भी आई हुई है, बताओ R15 के अंदर में क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, सेडल स्टे लगे हुए हैं, पहली बार देखा है। ए लीन मारो प्रॉपर यार, क्या कर रहे हो भाई, प्रथम लीन नहीं ले पा रहा भाई, व्यू देखो व्यू गाइस, प्रथम के चक्कर में मेरा लीन बिगड़ रहा है यार बार बार। ये कौन कौन सी जगह आ गई भाई, यहाँ से क्या सीधे नीचे गिरना है, ओए होए कितना ख़राब रोड, ये आ गए भाई शांति सुबह भाई, जगह काफ़ी सही है, और यहाँ कुछ ना कुछ होगा पार्किंग के लिए, इधर प्लेस बना रखा है, और हम लोग पार्क करेंगे गाड़ियों को इस साइड में, अपनी अपनी बाइकों को गाइस, बढ़िया तरीके से मज़े लेते हुए। और भैया कहाँ से आए हैं आप, राजस्थान अजमेर से, इस पे यार बहुत सही है यार, मतलब इतनी भारी को तो कोई संभालने में भी दिक्कत होगी, इसे तो आप उठा के भी रख दोगे कहीं दो जने आगरा। कैमरे की नज़रों से आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ, व्यू पॉइंट, तो वहाँ कुछ लिखा हुआ है लेमडोन के नाम से, अभी ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। बाकी अभी हमें जो जाना है उस पॉइंट पर जाना है यहाँ पर, तो चलते हैं पहले, सबसे पहले, और देखते हैं कैसे हैं भाई यहाँ के नज़ारे। और ये देखिए आप शांति स्तूपा में रात 8 बजे के बाद मतलब आना मना है, रात 8 बजे के बाद नहीं आ सकते आप, आफ्टर 8 PM, तो 8 PM के बाद आप नहीं आ सकते हो,
बाकी का ये टोकन बूथ है, यहाँ पे टोकन लेना है हमें इसका 7 AM to 8 PM। और टोकन कितने का है प्रथम? 30 रुपीज़ का यहाँ टोकन है गाइस। और देखिए ये थैंक्स फॉर योर रुपीज़ 30 वेल बी सॉरी यूज टू अपकीप एंड मेंटेनेंस, मतलब यहाँ के जो भी है ये जो शांति स्टूप है इसके मेंटेनेंस में ये सारा पैसा लगता है। इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ, सांस चढ़ रही है तुम्हारी चढ़ रही है, डायमॉक्स का फ़ायदा कर लिया तुमने। और ये भाई फ्लैग देखिए, अब इसके बाद में यहाँ से लेकर भी फ्लैग हम लोग ले लेंगे अपनी बाइकों पे लगाने के लिए। बाकी का सही क्लीन जगह है, बढ़िया जगह है। पर अब व्यू पॉइंट देखिए कितना सही व्यू पॉइंट है, काफ़ी सुंदर। यहाँ ये देखिए अक्सर हम लोग वीडियोस में देखा करते थे, अभी ये देखा है इसके अंदर में ये जोत जल रही हैं अपनी भाषा में, तो ये सारे लगे हैं छोटे से छोटे बड़े से बड़े, में धुआं होता है वो सामने ऊपर से निकलता है, तो काफ़ी सही है, ट्रेडिशनल है यहाँ का। और लेके फ्लैग वगैरह आपको दिख रहे होंगे उस साइड, प्रथम आगे बढ़ गया है और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अभी। नो स्मोकिंग, यहाँ सिगरेट पीना मना है, नहीं पियेंगे भाई, मैं तो पीता भी नहीं प्रथम, पीता प्रथम भी नहीं पिएगा। प्रथम कौन पी रहा है? शांति स्तूपा। तो अभी भाई कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं, बूट ऐसे है ना इसमें आइडिया नहीं लग पाता है ऊपर नीचे कहाँ पैर पड़ जाए। ये पूरा अंदर का कुछ कैफ़े टाइप का, और मैगी लगवा लो, जीरो मसाले की जो मैगी वाला होता है भाई, हाईएस्ट मसाला ना, जीरो मसाला। और चाय लगवा लो, पानी की बोतल ज़रूर लेके आना भाई, पानी की बोतल ले आना यहाँ से। तो मैं आप लोगों को एक बार ही अंदर का दिखा देता हूँ व्यू कैसा है गाइस। यहाँ सारा कुछ अवेलेबलिटी है और काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। बाकी का पानी की बोतल भी भाई लेह के नाम से है, ये देखिए लेह स्प्रिंग के नाम से, ये मेडिसिन अभी खाएंगे इसको। एक बार व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए पूरे बर्फ़ की ढकी हुई चादर, और ये देखिए यहाँ पे ये पूरे के पूरे होटल्स वगैरह रूम्स वगैरह, और ये मिट्टी की पहाड़ियाँ भाई कितनी सुंदर लग रही हैं ये आप देख के बता दो। बहुत सही भाई बहुत सही। एक पॉइंट ये और है, आप पॉज कर दीजिए और ये देखिए पूरा इसके बारे में रीड कर सकते हैं आप। ऊपर वाली भाषा तो मैं पढ़ने में असमर्थ हूँ दोस्तों, उसको मैं नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं, नीचे वाला सारा कुछ आप पॉज करके देख। सो अपना पहला फूड आ रखा है गाइस, ये देखो फ्राइड राइस हैं और दो मैगी ऑर्डर किए हैं, दो चाय ऑर्डर किए हैं, वो भी आने वाले हैं तो इसको खाएँगे क्योंकि भाई यहाँ का फूड भाई काफ़ी सही है। ये मेरा मैगी भी आ गया साथ में, ये वेजिटेबल, ये प्लान अपना, मैं हमेशा प्लान ही लेता हूँ गाइस। सो ये है शांति स्तूपा जो अपना ले में स्थित है, और यहाँ हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लोर किया है इसको, इसके कुछ फोटोग्राफ्स भी निकाले हैं, इसके कुछ सिनेमेटिक्स भी निकाले हैं जो आपको यूट्यूब के ब्लॉग में भी मिलेंगे एंड इंस्टाग्राम ब्लॉगर आकाश चतुर्वेदी पर भी मिलेंगे। सो गाइस जा करके फॉलो कर लेना, मेहनत काफ़ी हार्ड चल रही है, सांस भी हार्ट बीट चढ़ी हुई है, फिर भी हम लोग मेहनत में लगे हुए हैं। एक बार आप व्यू देख लीजिए चारों तरफ का गाइस, इस साइड से और इस साइड से काफ़ी सही व्यू है, और यहाँ धूप निकली है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अभी, बस 2 घंटे के बाद में जो मौसम एकदम डाउन होगा ना भाई, ऐसे हिट करता है दिमाग पे एकदम से कि हाल ख़राब हो जाता है बिल्कुल, ये लगा लो। और बाकी का आज का भी जो राइड अपना एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा राइड नहीं है आज, तो हम लोग रेस्ट मोड में हैं और जो नियरेस्ट हैं अपने लेह के अंदर में, लेह सिटी के अंदर में, तो वही हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाकी का होप कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग भी पसंद आएगा अपना Day 5 का, अच्छा लगा है तो एक काम ज़रूर करना, अपने दोस्तों फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना, कमेंट एक अच्छा सा करना कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, अपना प्यार दीजिए भरपूर, और अभी Day 5 वाला ब्लॉग है, कल Day 6 हमारी सीरीज शुरू होगी तो उसमें हम लोग खारदुंगला के लिए निकलेंगे। ऑल राइट गाइस, हम लोगों ने इसको अच्छे से एक्सप्लोर कराया, इस मॉनेस्ट्री को काफ़ी सही जगह है, अगर आप आ रहे हो तो गाइस ले एक बार ज़रूर आना यहाँ पर, और मैं रिकमेंड करूँगा आपको, बहुत सही जगह है, आना बनता है भाई ऐसी जगहों पर। और होप कि आप लोगों को सही लग रहा होगा एकदम, और यहाँ का व्यू आप पूरा देखिए, ये पूरा व्यू है 360 व्यू, और ये भाई देख लो एक बारी। और अब अपन लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी एक्सप्लोर करेंगे हम लोग लेह सिटी, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे, देख रहे होंगे सांस चढ़ी हुई है, तो भाई यही हाल होता है यहाँ। बाकी धूप सेकने के बाद काफ़ी सही लग रहा है यार, कई दिनों के बाद इतनी अच्छी धूप मिली है, जब हमने धूप सेकी है विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी।
और कुछ ऐसा ऐसा ये व्यू, और जो हम स्ट्रेटली चढ़कर आए थे ना, तो सो गाइस कहते हैं ना हर राइड पे कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तीसरी बार, थर्ड टाइम ये रिम फिर से बेंड हो गई है डोमिनार की, जबकि कल कोई खड्डे में भी नहीं गई है। एक पत्थर था, मुश्किल से होगा इतना बड़ा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, चढ़ के निकली। और यहाँ से ये देखो, ये बेंड है, बहुत हल्का सा बेंड है, पर बेंड तो बेंड है भाई। इसको निकलवाऊँगा आगरा जाके, थोड़ा सा दबाऊँगा इसको, ठीक करवाऊँगा, बाकी का नुकसान हो गया यार। 20,000 रुपये का पड़ता है भाई पूरा सेट, क्या करें। लद्दाख राइड काफ़ी महंगी पड़ती हुई दिख रही है अभी तक तो। चलो खैर, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ होनी चाहिए बस आगरा तक। कोई खड्डे काफ़ी ज़्यादा हैं इस राइड में, या तो भाई लेकर आओ स्पोक व्हील वाली लेकर के आओ आप, मस्त, ना कोई ख़राब होने का डर ना कुछ। अभी डली थी ये, फरवरी में ही रिम डलवाई थी गाइस, और पूरी उम्मीद थी कि अब सही चलेगी गाड़ी। खैर दिक्कत तो इससे उतनी नहीं है, मगर ये जितनी स्पोक वाली आ रही है ना, ये गाड़ियाँ क्या है कि स्पॉन्जी होती हैं, थोड़ी सस्पेंशन भूल जाती है दबाव, तो दिक्कत नहीं होती है। खैर कोई दिक्कत नहीं यार, अब जो होना था हो गया, गाड़ी चलनी चाहिए यार। मैंने पहले ही बोला था डोमिनार के जो फ्रंट रिम है उसमें दिक्कत है यार, बहुत जल्दी जाता है वो यार, छोटे से पत्थर पे लगता है तो अभी सीधे बेंड हो जाता है, मैंने यही देखा है अक्सर, और मेरा ही नहीं कई लोगों के साथ ये हुआ है कचरा। चलो अब जो हुआ सो हुआ यार, पर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होना चाहिए, किसी बड़े खड्डे में भी नहीं गई है, वैसे भी कोई नुकसान नहीं है, समझ में नहीं आया बट यार ये चीज़। और हैंडल तो वैसे ठीक ही चल रहा है। चलो, गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसिंग जैसा फील करा रही है, बिल्कुल पावर लूज़ हो रही है भाई। और मेरी एक गलती बहुत बड़ी यही है कि मैंने इसके अंदर जो इंजन ऑयल डाला है भाई, उनको मैंने गलत ग्रेड का डाल दिया है, 15W50, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं डालना चाहिए था यार। देखो RR को भी दबाव आ रहा है, जाएगी नहीं जाएगी नहीं, अभी भी नहीं आई है, शायद आ जाए। यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर देना पड़ रहा है गाड़ी में, और सबसे बड़ी मेरी गलती, गर्मियाँ आ गई हैं, मैंने 15W50 मॉड्यूल का डाल लिया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती मानूंगा। अगर भाई इसमें 10W50 होता ना, ये इतना प्रॉब्लम तो करती ही नहीं किसी भी कंडीशन में यार, आ पाएगा। रोड कितना छोटा है यार ये, अच्छा HP फ्यूल स्टेशन यहाँ है। पेट्रोल डला लिया जाए गाइस। देखते हैं गाइस कितना खाती है आज फिर से, बहुत खाती है, घर पे की जाएगा इतना खाती है। बस बिल्कुल चकाचक बर्बादी है गाइस, क्योंकि आगे लंबा चलानी है गाड़ी, फुल है एकदम मामला, ऑल सेट को। कितना हुआ भाई, 8:31 हो गया, लाइए पेटीएम दीजिए। ये हो गया पेमेंट भाई का, 821 रुपये का। और यहाँ आया है मेरा 7.98 लीटर, और यहाँ है 104 रुपये लीटर है, यहाँ महंगा आया है ना। ये पावर था, नॉर्मल था, नॉर्मल पावर नहीं रखते हो ना। तो गाइस अभी फ्यूल तो डल गया है गाड़ी में, और हम लोग चल रहे हैं आराम से। गाइस एक बार ये लोकेशन देखो, कितनी सही लोकेशन है यार ये वाली, और आपको काफ़ी सही लग भी रही होगी। और यहाँ से हम लोग नीचे की साइड जा रहे हैं, लोकेशन ही खा गया यार मैप। चलो पहुँच ही जाएंगे यार, ये वाला लोकेशन है नीचे। एक और कोई मॉनेस्ट्री आ गई है, ये देखिए, तो भाई मॉनेस्ट्रियाँ ही मॉनेस्ट्रियाँ हैं लाइन लगा करके। साला LA नंबर, रुकने को तैयार नहीं है।
से ले एयरपोर्ट सीधे, करगिल सीधे, श्रीनगर सीधे, और मनाली के लिए इस वाले रूट को आपको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ से खारदुंग लाए दोस्तों 39 किलोमीटर, और ये लेह का मार्केट तो यार काफ़ी बड़ा है, मुझे आइडिया भी नहीं था इतना बड़ा मार्केट होगा ये। सच्ची में यार काफ़ी बड़ा है, बिग मार्केट है एकदम। सो दोस्तों अभी एक शोरूम का पता लगाया हम लोगों ने, KTM का शोरूम है, अगर वहाँ पर रिक्वेस्ट मिलते हैं तो भाई वहाँ से मैं लूँगा जा करके। और अभी तो फिलहाल यहाँ से निकल गए हैं भाई, इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, गाड़ी बबल होने जैसी लग रही है आगे से। खैर यार आज का दिन ऐसे ही रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं लगा। ठीक है अब जाके मैं रेस्ट करूँगा और एक ब्लॉग तो कम से कम एडिट करके डालूँ यार। वेलकम टू मॉडल विलेज साबो। कहाँ जाकर खोला है भाई KTM का शोरूम, KTM का शोरूम आ गया। काश मिल जाए भाई। अरे यार चल करके देखते हैं। भैया कोई है इधर? कैसे हो भैया? मैं आगरा से आया हूँ, मुझे ब्रेक पैड चाहिए थे पीछे वाले KTM के। हाँ डोमिनार में लग जाएंगे, वो सेम ही होते हैं पीछे वाले, रियर वाले ड्यूक 390 वाले लग जाते हैं। दे दीजिए प्लीज़, मेरे बिल्कुल ख़त्म पे हैं। दिक्कत होगी मुझे, बहुत लंबा ट्रेवल करना है। रियर वाला ब्रेक पैड दे दीजिए सर मेरे को, ड्यूक 390 वाला KTM का। थैंक यू सर, क्योंकि बहुत दूर जाना है सर अभी इसलिए। हाँ दे आर द वेरी सपोर्टेड टीम और दी KTM, सच्ची में भाई एक ही पीस है भाई के पास, फिर भी मुझे अरेंज करा के दे रहे हैं। थैंक यू। कितने यूपी क्या सी? अच्छा अच्छा भाई ये बजाज में, इसमें एक ही लगते हैं ना, कितना देना है? थैंक यू भाई, चलो फाइनली अरेंज तो हो गया। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू भाई। चलो गाइस अपने ब्रेक पैड तो मिल गए, एक काम हो गया, अभी शांति से राइड कर पाएंगे हम लोग। बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई ये, और बहुत ढूंढने के बाद मिली और एक पीस था, फाइनली मिल गया। और मैं आपको हालात दिखा देता हूँ ना, देखो ब्रेक पैड बिल्कुल ख़त्म पे थे, एक तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। स्पेशली थैंक्स फॉर KTM, अभी इतना अच्छा फील आ रहा है ना मेरे को यार, सच्चे में भाई। थैंक यू रोहन भैया यार, सच में ब्लॉग में बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं होते तो आज ब्रेक पैड नहीं मिलते। और भाई सही बोल रहा हूँ, एक पीस था उनके पास सिंगल यार, अभी उनको भी ज़रूरत होगी बोल रहे थे यार, मेरे को भी ज़रूरत पड़ सकती है। उन्होंने अपने मैनेजर से बात किया और सही में उन्होंने ये बोला भाई दे दो, और एक रुपया भी फालतू नहीं लिया भाई, जो प्राइस आता ही प्राइस लिया। तभी तो मैं कहता हूँ भाई बजाज और KTM के शेयरिंग से एक बेनिफिट है कि आपको दोनों स्पेयर पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, तो उसका प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यार। मैं जून के महीने में जैकेट पहन के चल रहा हूँ, मेरे फीलिंग कितनी अच्छी हो गई आप सोचो यार, जून में जैकेट यार। बनियान पहन के आगरा में घूमना दुश्वार होता है। कल जाएंगे खारदुंगला, 39 है, हुंटर भी जा सकते हैं, 126 है, तुरतुक भी जाएंगे, बाकी का जैसा भी होगा आप लोगों को तो भाई फुल पावर मज़ा आने वाला है। भैया ये देखो कितने बढ़िया सीनिक व्यू है, पूरी आकृतियाँ बढ़िया बढ़िया बनी हुई हैं। G2 यहाँ भी हुआ है, G20 जैसे अपने यहाँ हुआ था, ठीक है। और ये देखो क्या मैकेनिज्म लगाया है।
गाइस अपन लोग आ चुके हैं लेह की मेन मार्केट में, और यह है लेह का मेन मार्केट। पूरा बाज़ार देखिए चारों तरफ कितना ज़्यादा सही है। और अब गोप्रो की बैटरी भी जाने वाली है, ज़्यादा बची नहीं है। और बाकी का भाई तिब्बत मॉल इधर साइड पे है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये तो वैसे अपने टाइप के आइटम तो दिख भी नहीं रहे भाई, अपने मतलब के तो नहीं है। और ये एक बार देख लो आप, मेरे हिसाब से तो भाई आपके कुछ मतलब का लग नहीं रहा है। मुझे रूम में भी दिखा देता हूँ सारा कुछ। ये पूरा मेन मार्केट है गाइस, एंड यहाँ गर्म कपड़ों की शॉप है। ये सो गाइस हम अभी यहाँ के एक ट्रेडिशनल शॉप में आ गए हैं, जहाँ से हम कुछ फ्लैग वगैरह लेंगे लेह लद्दाख के। बाकी कई बार आप शॉप देख लो, कितनी ज़्यादा बढ़िया शॉप है यार, एकदम बढ़िया जगह है। और यहाँ से हम लोग लेह लद्दाख वाले फ्लैग लेंगे, और काफ़ी सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पर ये रखी हुई हैं। और अभी लेह का मार्केट घूमने आए थे तो भाई पर्पस यही था, पूरा घूमा जाए। और ये देख लो हम लोगों ने वाले फ्लैग चूज़ करे हैं, जो उस साइज के आई थिंक वो वाले साइज के अच्छे रहेंगे। प्रथम ऊपर वाला साइज अच्छा रहेगा या नीचे वाला? नीचे वाला, इतनी बड़ी जगह नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, वो वाला आई थिंक सही रहेगा, वो वाला साइज, ये वाला साइज। और देखते हैं बाकी का, ये पूरा की पूरा ट्रेडिशनल है यहाँ का। अभी हम आपको और भी एक्सप्लोर कराएंगे मार्केट का। मैं आपको एक बार ही नाइट का नज़ारा दिखा रहा हूँ यहाँ। ये पूरा देखिए आप, इस साइड देखिए पूरा की पूरा भाई, कितना ज़्यादा सही है एकदम। मतलब यहाँ का ट्रेडिशनल के हिसाब से बढ़िया है। और ऐसे तो अपने आगरा में भी मार्केट हैं काफ़ी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट कहीं दूसरे शहर में आए ना तो फिर सब चीज़ें देखेंगे, सीधी सी सिंपल सी बात। कुछ माइक्रो के शॉट्स, 360 व्यू ले के मेन मार्केट का। तो गाइस अभी पूरा मार्केट एक्सप्लोर करके हम लोग यहाँ आ गए हैं पार्किंग में अपनी, जहाँ हम लोगों ने बाइकें पार्क की थी। ये खड़ी अपनी बाइक, ठीक है। और ब्रेक पैड मैंने क्यों बोला था आपको बताऊं? ये आप देख लो बिल्कुल ख़त्म है, देखो बिल्कुल ख़त्म है ना गाइस, कुछ नहीं बचा है इसमें, इसलिए मैं टेंशन में था इसके लिए। चलो अब यहाँ से निकलते हैं अपने होटल के लिए। मैं आ गया हूँ इस समय होटल में, और काफ़ी थक गया हूँ, बिकॉज़ यहाँ का इन क्लाइमेट ही ऐसा है कि भाई ऑक्सीजन की कमी है तो थक जाते हैं। और अभी प्रथम लगाया है खाना लेने के लिए हम लोगों के लिए, और टाइम तकरीबन मैं आपको बता देता हूँ, जो टाइम हो रहा है 8:30 हो रहे हैं। अब मैं बैठूँगा ब्लॉग एडिट करने के लिए। तो यार जो डे 5 था अपना, पूरा लेह मार्केट हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। एंड सबसे मेन चीज़, देखो रिम बैंड हुआ उसका इतना टेंशन नहीं है, वो तो मैं करा लूँगा। पर अगर ब्रेक नहीं हो आपकी गाड़ी में तो आप कैसे रोकोगे? आपको पता है फ्रंट ब्रेक उतना सेफ नहीं होता है अगर रियर ना हो। तो ये मैंने ब्रेक पैड लिए थे गाइस, ये आप देख लीजिए। बड़ी मुश्किल में हम ले यहाँ तकरीबन 20-25 किलोमीटर हम घूमे। यहाँ कहीं बजाज का शोरूम नहीं है, पहले था अब बंद हो गया है पता नहीं जाने क्यों। और ये पार्ट नंबर एंड इसका MRP आप लोग देख लो, ये MRP है 260 रुपये। भाई भाई ने ऑन प्राइस दिया, एक ही पीस था उनको रिक्वायरमेंट था, उन्होंने बोला सर हमें ज़रूरत है, मैंने रिक्वेस्ट किया उन्होंने दे दिया, अच्छा लगा। दे आर द वेरी सपोर्टिव टीम KTM इंडिया को मैं थैंक्स बोलूँगा यहाँ पर, कि KTM के सर्विस सेंटर यार ऑल ओवर इंडिया में हर जगह हो गए हैं, बजाज के सेंटर्स घट रहे हैं यार, ये लोग अपनी क्वालिटी को सुधारने। देखिए कुछ नहीं हुआ, कोई खड्डे में नहीं गई है गाड़ी, कुछ नहीं है। सीरियसली देखो जो चीज़ ऑनेस्टली होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई खड्डे में नहीं कुछ नहीं, सिर्फ मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास कुछ है, हाँ जैसे ये ट्राईपॉड है, ठीक है, इतना ही मोटा होगा बस, ठीक है। और पत्थर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चौकोर राउंड रखता है, उसमें मेरी गाड़ी चढ़ी 70-80 की स्पीड पे, और उतने में रिम पे हल्का सा डेंट आ गया। अब आप बताओ पत्थर से कब से रिम यार बेंड होने लगे? गड्ढे में जाते में हो समझ में आता है, कोई खड्डे में मेरा रिम नहीं गया कल, मैंने पूरे खड्डे बचा बचा के निकाला है। अब उसमें जाने से ऐसे बेंड हुआ तो यार ये दुख की बात है। और फ्रंट वाला गया, मैंने रियर वाले को फ्रंट वाला जब पहिया लगा तो पत्थर उछल गया था, तो रियर वाला बच गया, बट रियर वाला इससे मजबूत है यार फ्रंट वाला। बजाज वालों क्वालिटी सुधारो यार। एक बार बताओ आप लोग बोलते हैं ऑफ रोड बाइक है, अगर हल्के से मैं रिम बैंड हो जाएगा खुदा ना खास्ता गड्ढे में गए तो रिम टूट के ये लग हो जाएगा यार, फिर तो बंदे की राइड स्पॉइल। तो भाई ये सही नहीं है। अब इससे आगे ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस बाइक पर स्विच करेंगे वो एडवेंचर बाइक होगी, उसके अंदर स्पोक व्हील होंगे तो उसमें ज़्यादा आई थिंक कंफर्टेबल लेगा। अगर ऐसे रोडों पर ट्रेन्स पे हमें राइड करना है, सच पास भी करना है तो कैसे होगा यार, इससे तो नहीं होगा ना। अभी BS5 जी ने भूसा वगैरह सबसे कराया तो उनकी रिम तो बेंड नहीं होते हैं इस तरीके से, वो तो खड्डे में भी डाल देते हैं यार। बजाज का मेरे साथ तीसरा केस है, मैं बहुत अच्छे से चलाता हूँ 3 बार। अब इसका पहले जब आया था कंपनी से तब एक बार बेंड हुआ, देन उसके बाद सेकेंड टाइम मैंने डराया,
थर्ड टाइम मैंने बजाज की पूरी न्यू गाड़ी से खरीदा था 20,000 रुपए का रिम गाइस, जिसके अंदर डिस्क ब्रेक था और आपका रिम सेट था, सारे बैरिंग असेंबली मैंने कुछ नहीं खुलवा मतलब असेंबली नहीं कराया, पूरा काली से नया ले लिया, उनको पेमेंट कर दिया था उन्होंने। और दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज़ तो बताना भूल गया था यार, ले मार्केट से भी हमने कुछ लिया है, तो ये प्रथम ने लिया है अपनी सिस्टर के लिए कुछ शॉल टाइप का यहाँ से, और प्रथम ने एक ये लिया है स्टिकर लेह लद्दाख का, ये स्टिकर है कुछ लेह लद्दाख का, ये आप देख लीजिए ठीक है। और एक ये लिया है हमने लेह लद्दाख का NH1 वाला, और एक ये वाला लिया है लेह लद्दाख का, रबड़ाइज है ये, एंड हैंडल बार माउंट के लिए दो लिए हैं, एक मैंने अपने लिए एक प्रथम ने अपने लिए, तो जो हैंडल पे लगे होते हैं ये वो हैं। अभी आगरा के अंदर में ये मेरे को अमेजोन पे 100-150 रुपये का मिलता है, यहाँ ओनली 20 रुपीज का ये मिला है, और ये हमें मिला है 50 रुपीज के अंदर में, ये हमें मिला है 60 रुपीज का, ये हमें मिला है ओनली 20 रुपीज का। अभी वक्त है दोस्तों डिनर करने का, अभी नाइट का समय हो गया तकरीबन 9:46, और ये मैंने लिए दाल नूडल्स, चार छोटे छोटे गुलाब जामुन, ये पापड़ और रोटी, इसमें फिर हमने तो भूल से पेल दिया है नॉनवेज, ये सूप मेरे लिए स्वीट कॉर्न, तो ये आइटम सारा मेरे को फिनिश करना है। और अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे, आई थिंक आप लोगों को ये ब्लॉग काफ़ी सही लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी रखा मैंने, जितना था मेरे को समझ में आया मैंने सब कुछ दिखाया आपको, जितना हो सके गाइस शेयर कीजिए इस सीरीज को, भाई थक गया हूँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली, 5 दिनों से कंटिन्यूसली बाइक चला रहे हैं। सो मिलते हैं फिर किसी ऐसे अच्छे वीडियो के साथ। अब दोस्तों अगला जो पार्ट होगा अपना, जो पार्ट होगा लेह से खारदुंगला तक का होगा, उसके बाद एक दो चीज़ और है आपका तुरतुक वगैरह तक जाएंगे, उसके बाद ये सीरीज को हम लोग फिनिश करके वापस आगरा के लिए निकल जाएंगे, बिकॉज हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं गाइस। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके गाइस, प्यार दीजिए, प्यार 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 भरपूर प्यार, बाय बाय। और एक बात और बताना भूल गया गाइस, आप लोगों ने अभी तक पूछा है कि कितना पेट्रोल लगा, तो मैं एक एस्टिमेटेड रफली आइडिया लगाऊं तो तकरीबन 16 से 17 हज़ार रुपये का मेरा तेल लग जाएगा लोटा वाट में, ठीक है।